हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और यह एक और कैप्चर बाय शर्मा जी, उन्हें फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है और आपको उनके द्वारा कैप्चर की गई फ़ोटोज़ और वीडियोस को देखने का, इसलिए अगर मेरे पास अवेलेबल है और वो मुझे अपनी वीडियोज़ दे देते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉग्स में आपके लिए डाल दी जाएँ। और मैं आपको दिखाना चाहती थी, मैं है ना थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ मंदिर का। बेसिकली ये मैं वहाँ, ये है तो और ही, पर मैं इसको आसन की तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ। और ये है अनदर दो चुनरी, पर इसके मैं है ना पर्दे सिलूँगी। एक्चुअली मैंने जो अभी मंदिर में पर्दे लगाए हुए हैं वो बेसिकली एक दुपट्टा है, जैसे ये भी चुनरी ही है ना। तो पिछले साल जब उसे लगाया था तब वो बड़ा ब्राइट था, अच्छा लग रहा था, पर अभी अचानक से बहुत डल हो गया है वो। तो इसलिए मैं ये दो फ्रेश चुनरी लेकर आई हूँ और इसके पर्दे मैं सिल कर लगाऊंगी, बिकॉज बाहर है ना मंदिर के पर्दे वगैरह नहीं मिलते हैं, वो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। और एक ज़रूरी चीज़, गणपति बप्पा और बजरंगबली। मुझे है ना ऐसा कमेंट आया था कि क्या आप हर दिवाली ये सब मूर्तियाँ चेंज करते हैं। हर दिवाली नहीं लाती हूँ मैं, सिर्फ एक लक्ष्मी गणेश जी आते हैं ना पूजा स्वरूप, तो वो लेकर आती हूँ मैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा चेंज करने वाली हूँ, इसके लिए थोड़ी सी मूर्तियाँ लेकर आई हूँ। और मुझे किसी ने बोला था घर में है ना जो खड़े हुए हनुमान जी होते हैं उनकी मूर्ति नहीं लगाते, दास हनुमान जी यानी कि बैठे हुए जो हनुमान जी होते हैं उनकी मूर्ति लगाते हैं। तो मैंने वो भैया जिनका ये शॉप है उनसे पूछा, पर उनको भी नहीं पता इस बारे में। आपको पता है तो प्लीज़ शेयर द नॉलेज विद मी, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा और अच्छा जानकर। और एक ये पीतांबरी बर्तन जो होते हैं मंदिर वाले, तो मंदिर वाले बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, कहीं नहीं मिली मुझे, पर इनके यहाँ आसानी से मिल गई, इसलिए मैं एक पैकेट लेकर आई। और बाकी ये थोड़े से हार, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो मुझे सभी हार चेंज करने, इसलिए थोड़े से हार लेकर आई हूँ, दिस इज़ इट। और ये है आलू प्याज, और देखिए बास पेपर में लेकर आई हूँ मैं, इस बार नो पॉली बैग। तो ये सब चेंज तो दिवाली पे होगा, मैं थोड़ी थोड़ी बस शॉपिंग कर रही हूँ। जब भी बाहर जाती हूँ थोड़ा बहुत सामान ले आती हूँ, जिससे बाद में एकदम से बर्डन ना आए। पर ये पर्दे मैं अभी बना कर रख दूँगी, चेंज दिवाली पे करेंगे। और मैंने वो शॉपकीपर भैया से पूछा भी था अगर उनके पास मंदिर में लगाने जैसे कर्टन्स हों तो उन्होंने कहा कि यूजुअली सभी लोग अपने कर्टन्स को हैंडमेड बना लेते हैं, कस्टम मेड बना लेते हैं, क्योंकि इस एज सच जो कर्टन्स होते हैं मंदिर के पर्दे वो बिकते नहीं हैं। ज़्यादातर इसी तरह के जो वस्त्र होते हैं जो मंदिर के काम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन्हीं से लोग बना लेते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद भी है कि मेरी सासू मॉम भी है ना मंदिर में इस्तेमाल होने वाले आसन, जो ध्वजा होती है, पर्दे होते हैं, उन्हें हाथ से ही बनाती हैं। उन्हें तो खैर सिलाई मशीन चलानी भी आती है, मेरी मम्मी को भी आती है, पर मुझे सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है। लाइक ओवरऑल कैसे चलती है वो मुझे पता है, लेकिन मैं उसमें एक हैंकी भी ठीक से नहीं सिल सकती हूँ। देखिए आप लोग बताइए ज़रा कैसा बना है, आप में से जो लोग भी स्टिचिंग जानते हैं। एक्चुअली मुझे यार ये सब इतना आता नहीं है, स्कूल में थोड़ा बहुत सीखा था, SGPW की देन है प्रोजेक्ट के डर से, वो भी तो उतना ही मुझे आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको कैविटी दे दिया है जिससे जो डोरी है वो इसमें फंसाई जा सके। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत पहले, जब मैं शादी होकर आई थी ना शर्मा जी के घर में, तो शर्मा जी के डैडी ने मेरे ये निफ्टिंग स्किल्स, क्या बोलेंगे इसे, सिलाई कढ़ाई बुनाई स्किल्स जानने के लिए मुझे अपनी शर्ट दे दी, उसका बटन टांगने के लिए। और वो मैंने कर दिया, क्लीन कर दिया था उनके हिसाब से, तो पापा ने खुश होकर मुझे 20 रुपये दिए थे इनाम में। तो मेरे हिसाब से मैं काम चलाऊँ तो कर ही लेती हूँ, पर उतना सुंदर नहीं कि मैं साड़ी का फॉल लगा लूँ या कुछ बना लूँ, वो उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उतना मैं नहीं कर पाती, बट ऐसे छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ। आप मुझे बताना कैसा किया मैंने, इसे शायद कच्चा धागा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कच्चा ही है ये शायद, पक्की सिलाई नहीं, कच्ची सिलाई होती है ये, जो पीछे से एक टाका लेकर करते हैं। बस ये एक तो हो गया रेडी, अब मैं ऐसे ही दूसरा बना दूँगी फटाफट। और मंदिर के हिसाब से कपड़ा कैसा लग रहा है?
बताइएगा। रेड एंड गोल्डन मुझे लगा बहुत अच्छा लगेगा ये, इसलिए मैं ये लेकर आई। मुझे पता नहीं आपको भी ऐसा फील होता है कि नहीं, पर कभी कभी ऐसे ऑफ ट्रैक काम करके मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है वो रोज़मर्रा का खाना। हालांकि खाना बनाना मेरा पैशन है, मैं खाना बना के कभी भी थकती नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे प्यारे फ्रेंड्स मुझे पूछते भी हैं कि दी आप थकती नहीं हो, पर खाना बनाना ना मेरे लिए एक तरह का रिफ़्रेशमेंट है। मैं नई डिश बना देती हूँ और उसको खा के सब तारीफ़ कर देते हैं, बस मैं खुश हो जाती हूँ, एनर्जाइज हो जाती हूँ। पर मैं ये बोल रही थी कि इस तरह के जो अलग काम होते हैं, जैसे आज मैंने ये पर्दे सिल दिए या कुछ डेकोरेट कर दिया, ये सबसे बहुत ज़्यादा ही मन को, मुझे ऐसा लगता है कि शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी आती है। और ये जो किट है ना, ये मैंने डी मार्ट से खरीद 80 या 90 रुपये की थी और बहुत काम आती है यार ऐसे छोटे मोटे कामों में। एंड आई थिंक हम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन ऐसा छोटा मोटा सुई धागे का सामान हम सबके पास ज़रूर अवेलेबल होता है। मेरे नेल पॉलिश उतर गए कलर्स, और अब मैं ये जो नेल्स है ना, इनको भी काट दूंगी, बिकॉज थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है घर का काम करना। चाय नहीं, नहीं वो मेरे लिए है, ये तुम्हारे लिए। क्यों तेरा वो अच्छा स्पेशल भी नहीं, ये जो कॉर्नर का होता है ना, ये मुझे पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अब कितना अच्छा हो गया है ना। कैसा है? बढ़िया, भाई कुछ डिफरेंट लग रहा है। इसमें गेहूं का आटा है। आटे का क्या हेल्दी वर्जन? वाह। तो गाइस ये केक मैंने बनाया है अवन में, लेकिन ये माइक्रोवेव में, कुकर में, कढ़ाई में भी बन सकता है। मैं आपके साथ इसकी कुकर, कढ़ाई और माइक्रोवेव वाली रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। बाय द वे तुम्हें याद है मेरा जो माइक्रोवेव है, मेरा जो हैंड ब्लेंडर है, जो जितने भी आपको छोटी मोटी चीज़ें मेरे घर में दिखती है ना, मेरा फूड प्रोसेसर, मिक्सी, हैंड ब्लेंडर, द सैंडविच मेकर, सब हम लोगों ने कहाँ से खरीदा है। मैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, क्रोमा से मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है क्रोमा जाने का, लेकिन क्रोमा में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पे ना वो कार्ड चलता है बजाज का, EMI कार्ड। हाँ, बजाज फिनसर्व। हाँ, बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड। तो बजाज इज द फर्स्ट कंपनी जिसने ऐसा EMI कार्ड लॉन्च किया था कि आप बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इजी 7-8 इंस्टॉलमेंट, किसी मतलब स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, बट मिनिमम 8 इंस्टॉलमेंट्स में कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हाँ। तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको। और अभी तो ऐसा भी हो गया है कि आप बिग बाजार से ग्रोसरी भी EMI पे ले सकते हो। ग्रोसरी? हाँ हाँ, मतलब बिग बाजार से जो सामान लेता हूँ सब EMI पे। मतलब कि जैसे आपने बल्क में सामान खरीदना है, जैसे दिवाली के टाइम पे वो भी जाएगी उतनी। एग्जैक्टली, तो दिवाली पे दिवाला ना निकले, इसलिए यू कैन कन्वर्ट दोस ट्रांजेक्शन, जो वो ट्रांजेक्शन है उनको आप EMI पे भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास बजाज का EMI कार्ड है तो। ये तो अच्छा है यार, यूजुअली लोग अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है यार। हाँ, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो मेरे पापा बोलते थे कि ये दिवाली तो तुम्हारी है, मेरा तो दिवाला होता है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए बहुत सारा खर्चा हो जाता है और कभी कभी इतना सारा पैसा आपकी सैलरी में से निकालना मुश्किल हो जाता है। तब लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्रेडिट कार्ड सबके पास होते हैं ज्यादातर, तो क्रेडिट कार्ड की हेल्प लेते हैं। लेकिन ये जो बजाज फिनसर्व का 0% EMI कार्ड है, इससे आप आपकी ग्रोसरी को भी इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करा सकते हो। आई मीन हाउ कन्वीनियंट इज दैट? एग्जैक्टली, दिवाली पे तो सबको ज्यादा शॉपिंग करनी ही होती है, क्योंकि आप चाहे ड्रेसेस ले लीजिए, घर की डेकोरेशन ले लीजिए, पूजा पाठ का सामान ले लीजिए, मिठाइयाँ, घी, तेल, ग्रोसरी, बहुत सारी चीजों में चाहते ना चाहते भी हम हमारी पॉकेट से ज्यादा खर्चा कर जाते हैं। तो मुझे पता ही था खैर कि क्रोमा में ये कार्ड चल जाता है, वहां से हमने बहुत सारे गैजेट्स वगैरह खरीदे हैं, घर के सामान भी खरीदे हैं, लेकिन ग्रोसरी भी अब आप EMI पे ले सकते हैं, ये तो
तो अगर आपको एकदम से वो बर्डन नहीं लेना तो यू कैन कन्वर्ट दोस ट्रांजेक्शन इनटू ईएमआई, इजी ईएमआई। बजाज का ईएमआई कार्ड है, जाओ और वो ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करा लो। यानी कि अगर आप शॉपिंग की लिस्ट लंबी हो गई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली exactly. अब दिवाली पे नो दिवाला। यस, अब दिवाली पे नो दिवाला। केक के साथ है ना कॉफी बनानी चाहिए थी, पर मुझे चाय ही पीने का मन था। और इस केक की रेसिपी मैं अभी आपको दे दूंगी। तो ये जो केक मैंने बनाया था ये है बेसिकली होल व्हीट बनाना ब्रेड। आप इसे केक भी बना सकते हो, पर मैंने लोफ स्टाइल बनाया है इसलिए मैं इसे ब्रेड बुला रही हूँ। और इसमें मैं डालने वाली हूँ वॉलनट्स। आप चाहे तो जो किशमिश होती है ना, गोल्डन रेजिन्स, वो डाल सकते हैं, या ब्लैक रेजिन्स होते हैं सुल्तानाज, वो भी डाल सकते हैं, पर वॉलनट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं यहाँ वॉलनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाय द वे मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये टूल, इतना छोटा सा है, आप देख रहे हैं दिए के शेप का ये टूल है। ये मुझे बहुत पहले किसी वॉलनट का, मैंने बड़ा पैकेट खरीदा था उसमें निकला था, तो दो खरीदे थे मैंने, एक मैंने मेरी मॉम इन लॉ को दे दिया, मेरी सासू मॉम को, और एक ही मेरे पास है। और इससे जो अखरोट है ये खोलना इतना आसान हो जाता है यार, वरना मैं पहले अखरोट नहीं खोल पाती थी, तोड़ तोड़ कर खोलती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था, मैस भी बहुत हो जाता था। मुझे एक्चुअली याद नहीं कौन से ब्रांड में ये टूल निकला था, मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ उस ब्रांड का नाम शेयर कर दूंगी, बट देन आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि ये टूल बहुत ही हैंडी है और कन्वीनियंट है। तो कमिंग बैक टू द रेसिपी, आपको जितने भी वॉलनट्स लेने हैं उतने आप वॉलनट्स थोड़े छोटे मोटे पीसेस में काट लीजिए, बहुत बड़े बड़े चंक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, और पाउडर जैसा मत कीजिएगा, थोड़े पीसेस ही रखिएगा तो वो मुंह में आएंगे ना, केक खाते हुए बाइट आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ब्लेंडिंग जार में मैंने दो ओवर राइप केले ले लिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल, कोई भी तेल रिफाइंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका स्वाद और सुगंध ज़्यादा ना हो। दो घर के चम्मच दही, आप चाहें तो ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, और चार चम्मच ब्राउन शुगर मैंने यहाँ लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी को पीस कर ले सकते हैं, पर ब्राउन शुगर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसके बाद आधा टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है, और अब इसको अच्छे तरह से मिक्सी में पीस लीजिए। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस तरह मिक्सी में पीस लेने से एक तो बहुत अच्छा मिश्रण तैयार होता है और बहुत जल्दी भी। छलनी में डेढ़ कप गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, और इसमें डालना है आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा, मेजरिंग टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और चुटकी भर नमक ज़रूरी है। अगर आप मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि अमूल बटर तो नमक मत डालिएगा, लेकिन जैसे मैंने तेल डाला है तो थोड़ा सा नमक ज़रूरी है। और इस सारे मिश्रण को अच्छी तरह से छान लीजिए, एक बार कम से कम ज़रूर छानिएगा, दो तीन बार कर सकें तो बेटर है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिससे सब चीज़ें एक साथ अच्छे से मिल जाएं। और मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, आप प्लीज़ फॉलो किया कीजिए। आपका केक अच्छा बनाने के लिए आपका जो बेकिंग टिन है ना, इसे पहले ही प्रिपेयर करके रख दीजिए, आप केक का मिश्रण बनाएं उससे पहले। तो बेकिंग टिन मैंने प्रिपेयर कर ली है, अवन भी प्री हीटिंग पे पहले ही रख दीजिए, अवन प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। और ये सब तैयारी एक बार शुरू कर देने के बाद आप फाइनली केक का मिश्रण बनाइए। अब ये जो आटा है इसमें मैंने डाल दिए हैं वॉलनट्स, आप काजू बादाम किशमिश सुल्ताना जो भी ले रहे हैं उसको सीधे आटे में डालिए, टूटी फ्रूटी भी ली जा सकती है। और आटे के ऊपर फिर धीरे धीरे करके ये जो हमने मिक्सी में जो बैटर बनाया था ना ये ऐड कीजिएगा, और ये बैटर इनफ नहीं रहेगा क्योंकि गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो आपको ऊपर से दूध मिलाना होगा। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि केक जो होता है ना बनाना वाला, उसमें बनाना का थोड़ा सा स्मेल रहता है, वो सबको अच्छी नहीं लगती है, तो सिनेमन से स्मेल भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसको आपको मैं दिखाती हूँ आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें दूध या तो फिर थोड़ा गर्म, मतलब गर्म नहीं एकदम रूम टेम्परेचर, लूक वार्म जिसे कहते हैं, ऐसा पानी मिला सकते हैं, बट दूध इज़ बेटर। आप देख लीजिए किस तरह की कंसिस्टेंसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव हो जाने तक आप इसमें दूध मिलाते रहिए।
और अगर आप ये केक मैदा से बना रहे हैं तो इसमें कम दूध जाएगा, गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो दूध ज़्यादा लगता है। और मैं कहूँगी आप थोड़ा सा चीनी भी फालतू रखिए जब आप गेहूं के आटे से बनाते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे का एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। मैदा इसलिए ज़्यादातर मिठाइयों में यूज़ की जाती है क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता। तो ये सारा बैटर जो है वो टिन में पोर कर दीजिए, और ऊपर से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ ये चॉकलेट चिप्स से। वाइट एंड डार्क चॉकलेट चिप्स हैं ये। आप चाहे तो ऊपर टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं, वॉलनट्स या कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, हर तरह से ये अच्छा लगता है। और केक टिन को अच्छे से पैट कर लीजिए, एयर बबल्स रिलीज हो जाने चाहिए। और इसके बाद प्री हीटेड ओवन में आप इसे बेक करने रखिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट। हर ओवन डिफरेंट होता है, आपको 30 मिनट भी लग सकते हैं, आपको 45 मिनट भी लग सकते हैं। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। और एक और बात, जब आपका केक आप शुरुआत में ओवन में रखते हैं तो उसे प्रॉपर हीट लेने दीजिए, बार बार ओवन का दरवाज़ा मत खोलिए। लास्ट में जब आपको लगे आधा घंटा हो गया इसके बाद आप खोल सकते हैं। अगर आप शुरू में ही खोलने लगेंगे बार बार इसे तो ये फ्लैट हो जाएगा और फिर आपको राइट टेक्सचर नहीं मिलेगा। जब भी आपको लगे कि टाइम हो गया है, जैसे कि 30 मिनट 35 मिनट हो गए हैं, आप ओवन में ही स्क्यूअर टेस्ट कीजिए। अगर स्क्यूअर क्लीन नहीं आ रहा है और 2-4 मिनट पकाइए, स्क्यूअर क्लीन आने लगे उसके बाद ही ये जो केक टिन है इसको ओवन से बाहर निकालें। मैंने ये टेस्ट कर लिया था, पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं एक बार और स्क्यूअर टेस्ट कर रही हूँ। और ये लोफ हो गया है रेडी। हमेशा केक लोफ मफिन को खाने से पहले अच्छी तरह ठंडा कीजिए, और हो सके तो 2-3 घंटे ठंडा कीजिए। इससे क्या होता है, उसके अंदर की हीट ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर टेक्सचर ले लेता है, तो आपको पता चलता है कि आपका केक कैसा बना है और अच्छा ही बनता है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपका केक कभी फ्लैट नहीं होगा, अच्छे से बेक होगा। मैं हर वीडियो में थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपके पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास हैं वो सारे ही धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट आप वीडियोज़ को रेगुलरली देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें बाकायदा पता चलती जाएंगी। केक को हमेशा ठंडा हो जाने के बाद ही काटें। मेरा तो ये किचन नाइफ है, पर इसके लिए अलग से प्रोफेशनल सीरेटेड नाइफ्स आते हैं, वो मेरे पास नहीं है। पर एक बार आपका केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो इस नाइफ से भी अच्छे से कट जाता है। गरम गरम को काटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका केक अच्छी तरह नहीं कटता है। और ये केक इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है, आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और वो बहुत खुश हो जाएंगे। चाय के साथ आप खुद ले सकते हैं। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और रेसिपी बहुत पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।